आलेख सात, मार्च महीने के किसी दिन के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का तापमान नीचे की सारणी में प्रदर्शित है। समय पूर्वान्ह और अपराह्न में है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम 5 बजे, 6 बजे। तापमान डिग्री सेंटीग्रेड पर 23, 25, 27.5, 29, 31, 33.5, 35.5, 37.5, 38.5, 39, 37.5, 34 और 30। सारणी के आंकड़ों के आधार पर आलेख खींचिए। हल, यहाँ हम देख सकते हैं कि यह आलेख पहले खींचे गए आलेखों से अलग है। समय बढ़ने के साथ साथ पहले तापमान बढ़ रहा है तथा एक समय के बाद कम भी हो रहा है। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? अपने साथियों से इस पर चर्चा कीजिए। इस आलेख के आधार पर 5 निष्कर्ष लिखें। आलेख 8, मूलधन 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3 व 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख बनाकर देखिए कि समय के साथ साधारण ब्याज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। साथ ही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना? दूसरा, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना? तीसरा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना? हल, हमें दिया है मूलधन बराबर 100 रुपये, दर 10% और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100। मूलधन व दर को स्थिर रखते हुए समय का मान 1, 2, 3 व 4 वर्ष रखने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज को निम्नानुसार सारणी में दर्शा सकते हैं। समय वर्ष में 0, 1, 2, 3 और 4 और इसके संगत साधारण ब्याज रुपये में 0, 10, 20, 30 और 40। ग्राफ से हम कह सकते हैं कि जब मूलधन व दर स्थिर हो तब समय बढ़ने के साथ साधारण ब्याज में भी निश्चित दर से परिवर्तन होता है। एक्स अक्ष पर समय जो कि स्वतंत्र चर है तथा वाई अक्ष पर साधारण ब्याज जो आश्रित चर है यह चुना। पैमाना, एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 वर्ष, वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 10 रुपये। करके देखें। कुछ लोगों को क्रमशः 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद इनसे मिलने वाले ब्याज के लिए एक आलेख बनाइए। अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की आयु महीनों में एवं ऊंचाई सेंटीमीटर में नोट कीजिए और आयु तथा ऊंचाई के आंकड़ों को आलेख में दर्शाइए। क्या आलेख में आयु व ऊंचाई के बीच कोई निश्चित संबंध देख पा रहे हैं? अब तक बने आलेखों में आपने देखा कि कुछ में सरल रेखा और कुछ में वक्र रेखा प्राप्त हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह स्पष्ट है कि आलेख रेखा की आकृति और उसमें निरूपित राशियों के बीच संबंध पर आधारित है। यही संबंध रेखा की आकृति को निर्धारित करता है। अब हम उन राशियों के बीच संबंध ढूंढते हैं।